जीवन विज्ञान, सामान्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और अभियांत्रिकी संकाय आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची में दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसका विषय है सिम्बियोस्फियर 2024 पर्यावरण के अनुकूल समाधानों के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स के अंतर संबंध को नेविगेट करना। सम्मेलन की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एस चटर्जी और कुल सचिव डॉ अमित कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर की, जिसमें मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति और झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग के सदस्य धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल लोगों को सिम्बियोस्फियर 2024 के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया। सम्मेलन के पहले दिन के प्रतिष्ठित वक्ता वेन स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका के बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर जेफरी एच विथे रहे। सम्मेलन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों ने शिरकत की। छात्रों ने तकनीकी सत्र में अपने शोध पत्र पेश किए, जिसमें 300 प्रतिभागी शामिल थे। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता एमएटी यूनिवर्सिटी झारखंड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ बीरेश कुमार और रांची विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ अनिता सिन्हा ने की है। मुझे लगता है ये बच्चे लोगों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया गया है और इस तरह का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में होना ही चाहिए और होते रहना चाहिए। मुझे आज जो मैं फार्मेसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे आज बहुत अच्छा लगा हमारे प्रिंसिपल और सबसे मिलके, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जो आरकेडीएफ का सिचुएशन रहेगा और जो एनवायरनमेंट रहेगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं और टीचर्स आर वेरी गुड इन दिस वन। और आज का जो प्रोग्राम है, खास करके जो मतलब हमको लगता है देश के कोने कोने से जो लड़के लोग आए हैं वो बहुत संपन्न रहेंगे इसको कार्यक्रम को सुनने के बाद, क्योंकि बहुत से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ उन बच्चे लोगों के साथ, तो उन लोगों में एक जागरूकता था और आरकेडीएफ के लेके भी मुझे भी जागरूकता थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चेयरमैन का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम को होस्ट किया है। बहुत कम यूनिवर्सिटी होते हैं जो फंडिंग करते हैं चेयरमैन लोग, तो मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिस इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द इंटेलेक्चुअल्स हैव गैदर्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस टू एनहांस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचिंग फैकल्टीज। द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली very fast. We are the witness of new advancement in the field of life science, basic science, pharmaceutical and engineering frequently. हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि हम झारखंड में हैं और भैया के नाते यहां पर मेरा कुछ हो सकता है, ये बिल्कुल उनको पता है और हर समय मैं बोलता हूं। लेकिन जो मौका, जो टाइम, समय आपको दिया गया है, ठीक है अगर आप साइंस के नहीं भी हो, आप कम से कम हॉल में बैठ के आज यहां एंकरिंग करने का भी मौका मिल सकता है, भी सीखने। भैया ने बोला स्किल सिखाएंगे, ये मौका आपको स्किल सीखने का है। और ये सीखने का इसलिए है क्योंकि मुझे पता है जो हमारे यहां फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि आप कंपनी के पास जाओगे तो क्या होगा। मुझे ध्यान है मैंने 42 यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय को शुरू किया, 2000 स्टूडेंट्स आज यहाँ पढ़ रहे हैं और उन 42 स्टूडेंट्स में से एक बच्ची आई और उसने कहा कि सर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने बोला वो 6 मंथ आप हमारे साथ पढ़िए और उस कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट करेंगे, बिल्डअप करेंगे और आप देखिएगा जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया,